सो फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये इनके बीच में रेशो दे रखा 3:2:1। तो रिलाइजेशन अकाउंट बना लीजिए। इसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। तीन है, नाम लिख लें इनके, अशोक, बाबू, चेतन। अशोक, बाबू, चेतन, ठीक है जी। इसके बाद चलिए बैंक अकाउंट बना दें। तो डेटर्स का अब ये साले पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर दें। 58,000, 39,500, 48,000, 42,000, 50,500, ये हमारे सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। क्रेडिटर हैं 20,000 के, बिल्स पेबल 25,500, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे 70,000, 55,000, 27,000। जो करंट अकाउंट है उनको भी आप उनके बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दें, ठीक है जी। और बताइए अब क्या रह गया। एक तो बैंक का बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया, तो ये आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए। और दूसरा, आपका बाबू का लोन ट्रांसफर नहीं किया हमने, इसको देख लेते हैं। मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई बाबू फॉर 45,000, अशोक ने इन्वेस्टमेंट ले लिए एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले ली इन्होंने, बाकी की जो एसेट्स हैं वो ऐसे रियलाइज हो गई हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हमारी पहले लिखेंगे बाय बाबू 45,000 की उन्होंने मशीनरी ले ली, बाय अशोक 40,000 के उन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिए, और बाय चेतन कैपिटल 55,000 की उन्होंने, तो ये 40,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो रियलाइज हुई है वो लिख लें, बाय बैंक डेटर से आए हैं 56,500, स्टॉक से 36,500, क्रेडिटर को पे किया हमने कितना, 7% डिस्काउंट 18,600। कंप्यूटर एक हमारा बुक्स में नहीं था,
लेकिन अब आ गया है तो कर दिया। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हमने 3000, इसका टोटल करें तो 56,3093, 1,02,000। ठीक है, तो टू रियलाइजेशन 1,02,000 बाय रियलाइजेशन 21,600। ठीक है जी, बस अब क्या करें, अब इसका टोटल करें। ठीक, टोटल करते हैं और प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो एक लाख दो हजार प्लस 1,40,000 प्लस 45,500, ये है 2,87,500। ठीक है जी, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा मेरा, इसको बांट दें 1,200, 800, 400। ठीक है जी, ठीक है। अब इसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को निकाल लें, 81,200, 60,800, 30,400, 81,200, 60,800, 100. इस तरफ बैलेंस दूसरा है तो इसको ऐसे करेंगे 55,000, तो ये 41,200 आया, ये 15,800 आया और 55,000, तो 24,600 बाय बैंक और टू बैंक। ठीक है जी, तो 24,600 ये चेतन लेके आएंगे बाय अशोक बाय बाबू ठीक है, ओके। 2 मिनट रुको मैडम, ये आया 1,34,100, क्या गड़बड़ हो रही है, क्रेडिटर, अच्छा बिल्स पेबल नहीं दे रहे हम, तो बिल्स पेबल की एंट्री और होगी। ठीक है जी, अभी भी देखो कितने फर्क आ रहा है, क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए। और है कुछ क्या, 2 मिनट रुको, 2 मिनट, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। हाँ जी, ये बाबू का लोन जो था ना, ये भी तो पे करना है हमें। तो ये 1,34,100 अभी टैली हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं थी। थैंक यू वेरी मच।